नमस्कार बच्चों, तीसरी कक्षा में हम आकृतियों का कमाल देख रहे हैं। हमने देखा कि तीन भुजाओं से त्रिकोणीय आकृति बनती है, इसको हम त्रिभुज कहते हैं। तो आओ देखते हैं त्रिभुज में क्या कोने हैं। इसमें कोने तो बने हैं बिल्कुल, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ। तो क्या कोने हैं त्रिभुज में? हाँ, कोने हैं। तो कितने कोने हैं बच्चों इसमें? एक, दो, तीन। कोने कितने? कोनों की संख्या तीन। किनारे कितने? किनारे देखो, एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये, किनारे भी तीन। अब देखते हैं, अच्छा ये गोल आकृति है, क्या इसमें कोना है कोई? देखो कोना, क्या इसमें ऐसे ऐसा कोना बना है? कोना इसमें नहीं है, ये तो गोल आकृति है। तो कोना इसमें क्या कोने हैं? इसमें किसमें? वृत्त है ना, वृत्त में नहीं, कोने नहीं है। और किनारे कितने इसमें? देखो किनारा सारा एक ही है ना, किनारा एक, कोने जीरो। अब और आकृतियों देखते हैं। ये चार भुजाओं वाली आकृति है जिसको हम आयत कहते हैं। हमने सामने भुजाएं बराबर है, कितनी भुजाएं हैं? एक, दो, तीन, चार। कोने कितने हैं? एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ। पहले देखिए क्या कोने हैं आयत में? हाँ, तो क्या आएगा? हाँ। कितने कोने हैं? एक, दो, तीन, चार। किनारे कितने हैं? किनारे एक, एक किनारा, एक किनारा, एक किनारा, एक किनारा। कितने किनारे हो बच्चों? चार किनारे। इसी प्रकार वर्ग में कर सकते हैं आप। ये वर्ग बिल्कुल वर्ग में भी इसी तरह से आएगा आपका, जैसे त्रिभुज में होता है। चार ही कोने और चार ही किनारे। हाँ, चार कोने और चार ही किनारे। अब गेंद में देखते हैं। चलो ये गेंद है एक, देखो क्या गेंद में कोई किनारा है? क्या कोई किनारा किनारा है इसमें? है ही नहीं ना किनारा, ना क्या कोने है? नहीं, इसमें ना किनारा और ना कोई कोना, जीरो आएगा। गेंद में ना कोई किनारा है और ना कोई कोना है। अच्छा और देखते हैं, ये बॉक्स है हमारा, जो बॉक्स आकार की आकृति होती है, इसमें देखो कोने कितने बनेंगे। देखो ध्यान से देखना, पता चलेगा। एक, दो, तीन, चार। चार इधर है, एक, दो, तीन, चार, चार। ये कितने कोने हो गए? आठ कोने। तो ये डिब्बा है, कितने क्या कोने हैं? हाँ, कितने कोने हैं? मैं दोबारा बताता हूँ, एक, दो, तीन, चार और चार इधर, आठ कोने इसमें। कितने हैं? आठ। और किनारे देखते हैं, एक किनारा ये, एक किनारा ये, दो, एक किनारा ये, एक किनारा ये। कितने किनारे हो गए? चार। अब और देखते इस तरीके से, एक, दो, तीन, चार, चार यहाँ, आठ और एक ये, एक ये, दो, एक ये, तीन, एक ये, चार। तो कितने हो गए? चार इस तरीके से, चार इस तरीके से और चार ये खड़े बड़े। तो किनारे कितने हो इसमें? बारह। डिब्बे में किनारे कितने हो बच्चों? बारह। इसमें किताब में देखो, ये किताब है हमारी, किताब में कितने किनारे हैं? एक, दो, तीन, चार, चार इस साइड, एक, दो, तीन, चार, चार इस साइड और एक ये किनारा, एक ये किनारा, एक ये किनारा, एक ये किनारा। तो चार और चार आठ, और चार किनारे कितने हुए किताब में? किनारे हैं, कोने हैं, किनारे कितने हुए? बारह। और कोने देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ ही कोने हैं। अब किताब में किनारे देखने के बाद, चलिए हम जिससे लूडो खेलते हैं, ये लूडो का पास है आपका, अब इसमें किनारे देखते हैं कितने हैं। कोने कितने से पहले देखे कोने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ कोने हैं, लिख दिया मैंने, आठ कोने। हाँ, कोने हैं। अब किनारे देखते हैं, इधर से देखो पहले, एक, दो, तीन, चार, चार इधर। अब इस साइड देखो तो पीछे इसके, एक, दो, तीन, चार, चार इधर, चार इधर। ये मैंने फिर दोनों बंद कर दिया इसे। अब ये कितने बच गए इधर? एक, दो आपकी तरफ, तीन और चार, चार ये, यानी कि चार इधर, चार इधर, आठ और चार ये, बारह। तो इसमें किनारे कितने आ गए? बारह। इसी प्रकार से एक कागज की सीट है, देखो एक कागज की सीट, इसमें कितने किनारे दिखाई देते हैं आपको? कोने देखो पहले, क्या कोने हैं इसमें? कोना है बिल्कुल, यहाँ है कोने हैं। हाँ, तो कितने कोने हैं? एक, दो, तीन और चार, चार कोने हैं। किनारे कितने हैं? एक, दो, तीन और चार, चार ही किनारे। इस प्रकार से आप किनारे और कोनों का खेल अपने कक्षा में खेलें, और खेल खेल में ही ये आकृतियाँ, त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त, इनके बारे में हिंदी और इंग्लिश में के नाम याद करें और इनकी पहचान करें आप। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हो, एक, दो, तीन, चार, ये चार भुजाएं चारों बराबर हैं, तो इसे हम वर्ग कहते हैं स्केल इंग्लिश में। जिसमें आमने सामने भुजाएं बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं और इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। ये कोने वाली आकृति जिसमें तीन कोने हैं, एक, दो, तीन, त्रिकोणीय आकृति, इसको हम त्रिभुज कहते हैं। और ये गोल गोल आकृति जिसमें कोई कोना नहीं होता, इसको हम वृत्त यानी कि सर्कल कहते हैं। तो इस प्रकार की चार आकृतियाँ मेन, सर्कल, ट्रायंगल,
स्क्वायर और रेक्टेंगल आपके पास आती हैं आपकी बुक में से, आकृतियों का कमाल में से। आप करते रहिएगा और मेरे साथ पढ़ते रहिएगा।